मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे दे के यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रूटीन मरने वालों को संभाला नहीं जाता है, और ऊपर से आप लोग आ टपकते हैं जिनकी आयु अभी बाकी है। तो आपने हमें मारा क्यों? हमें क्यों मारा? हम आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती की वजह से मरे हैं। इसीलिए हमने यमराज जान दान योजना शुरू की है, जिसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बाकी बची उम्र किसी जरूरतमंद को दी जाए। माना कि मैंने गलती की है, बस सीट बेल्ट ही तो नहीं बांधा था। मोबाइल फोन, स्पीड, सिर्फ मैंने हेलमेट ही तो नहीं पहना था। इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे माफ कर दो तो मैं जाऊं वापस। गड्डी ओवरलोड थी बेटा, और शराब भी पी थी, कैसे छोड़ दूं? आप लोगों को न कानून पसंद है, न ट्रैफिक पुलिस, न सिग्नल, न अपनी पड़ी है, न अपनों की पड़ी है। आई, एक और गया बाइक चलाते चलाते। ये प्यारी सी बच्ची, बेटा तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सब की आयु में से जीवन के 70 साल तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए मैं घर जाकर सबसे कहूँगी, मम्मी ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट लगाना और फोन पे बात मत करना, पापा शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाना, भैया बिना हेलमेट घर से बाहर मत निकल जाना बाइक चलाने, और स्पीड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक जाता है। आपकी जान आपके हाथ में है, मेरे नहीं, संभालो।